अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। बस थक बहुत ज़्यादा गई हूँ आज, क्योंकि कल हम लोगों को निकलना है और तैयारियाँ जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बाज़ार से आई हूँ, क्योंकि अंजल जो एक शर्ट लेके आया था ना, ये अपने डैडी के साथ गया था शॉपिंग करने, तो शर्ट जो है ना वो छोटी आ गई, तो वो चेंज करवा के लाई। कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, और धोबी को ना 3-4 दिन पहले के मैंने कपड़े दिए हुए हैं, जो कि मैं दो तीन सूट थे, एक दो मेरे और एक उसका था अंजल का, ड्राई क्लीन करवाया था, लेकिन वो भी हमें ना वन बाय वन दे रहे हैं। ठीक है, अभी ये एक आया, अभी मैं इनके बैग निकालूंगी। एक ये कुर्ती आई है उसकी बंटी की लहंगे के साथ की, और मेरा एक सूट आया है। अभी वो कह रहा है मैं जैसे जैसे करता जाऊँगा देता जाऊँगा, तो मैंने कहा इनको अभी मैं बाहर ही रखती हूँ, जैसे ही वो देगा फिर मैं सारे इनके इनके बैग में रख दूँगी ना। ये तो मैं ऐसे ही लेके जाऊँगी, इनको तय करके नहीं लेके जाऊँगी। बाकी अभी आपके सामने सारा बखेरा जो है अभी बिखरा हुआ है, ये मेकअप का, ज्वेलरी का, सारे ही मैंने कुछ बॉक्स खाली किए और वो मैं उसमें रखूँगी। और बैग तो मेरा ख्याल है एक एक बंदे को अलग-अलग बैग चाहिए, ये समझ नहीं आ रही कहाँ से इतने बैग दो, क्योंकि एक मैंने रखा है ट्रॉली बैग रखा है, वो उनके डैडी के लिए रखा है ताकि, क्योंकि वो बाद में आएंगे और वो अपना जो है उसमें रख के लेके आएंगे। और मेरा और बंटी के एक एक शूज़ अभी रहता था, आज ही आज़म अपनी पसंद से लेके आए हैं। ये मेरा है गोल्डन शूज़, और क्या कहते हैं, और ये वाला शूज़ जो है ये बंटी का है, क्योंकि इसका सिल्वर के साथ का था नहीं, और अभी आज़म लेके आए हैं। आज मैं नहीं जूते लेने गई, आज़म कहते हैं आप लोग देर बहुत लगाते हो, मैं खुद ही ले आता हूँ, तो उन्होंने हमें ये व्हाट्सएप पे दिखा दिए थे, तो हमने बता दी कि ठीक है आप ये ले आए। ये मेरा है, ठीक है, इस टाइप का, और ये बंटी का है। और अभी इस बैग में भी मैंने शूज़ रखे हुए हैं डिब्बों से निकाल के, मेरा ख्याल है इसमें दो मेरे हैं और एक दो बंटी के हैं इसके अंदर ना, पता नहीं क्या चीज़ है। अभी शादियाँ समझ नहीं आती कि किस तरह हम लोग करते हैं। अभी अंजल ने आना है, अंजल के कपड़े ये पड़े हुए हैं, हाँ ये अभी लेके आए, मैं कल की बोल रही थी कपड़े ले आए और ताकि मैं रख दूँ। ये वाली शर्ट थी जो कि इसको, हाँ ये शर्ट थी जो कि इसको क्या थी, छोटी थी, और मैं इसका बड़ा साइज़ लेके आई हूँ ना, मिल भी नहीं रहा था। उन्होंने फिर कहते हम लोग ना गोदाम से पता करते हैं तो देखते हैं, ये इनके डैडी की, और ये जो है इसके अंदर क्या है, हाँ इसके अंदर ये कर्लर है और ये स्ट्रेटनर है, क्योंकि इसके बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती है, इसलिए हर चीज़ जो है मैं अपनी लेके जा रही हूँ। बस अभी मैं ये सारा जो है पैकिंग करती जाती हूँ, और अभी अंजल आएगा, वो थोड़ा सा मुझे बताएगा कि उसकी चीज़ें जो हैं, मैं चाहती हूँ कि हर बंदे के एक एक बैग हो, अपने बैग से खुद चीज़ें निकालें और ख़ुद इस्तेमाल करें, बाद में खुद ही रखें। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा कुकिंग का भी करना है, साथ साथ में पैकिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को जाना है शादी पे। और क्या कहते हैं, आज मेरा हांडी रोटी का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि कहीं ज़्यादा होता, 2-3 दिन पहले ही ये कुकिंग वगैरह का काम जो है ना मैं तो बंद कर देती हूँ। और लेकिन ये कि आज आज़म ने मुझे कहा है कि मेरे फ्रेंड आ रही है, निहारी बनानी है, तो मैं निहारी बना रही हूँ जल्दी जल्दी, साथ दूसरा सामान भी पैक करती जा रही हूँ। अंदर आना ज़रा, इधर मैंने प्याज भी ब्राउन करने के लिए रखा है, क्योंकि इसके बगैर तो निहारी खाई ही नहीं जाती है। ठीक है, और ये अदरक मैंने स्लाइस में काट के रखा है, और अभी लेमन और हरी मिर्च रहती है। वैसे तो निहारी का काम जो है आसान ही है, लेकिन इसके जो लवाजमात है ना वो ज़रा टाइम लेते हैं। मैं इधर बस चिकन भून रही थी निहारी मसाला डाल के, अभी जो है मैं इसको पानी डाल के रख दूंगी बस। चलो अंजल दे दो मुझे कपड़े अपने। नहीं आप मुझे मेरा ये लहदा बैग दे देना। लहदा बैग कहाँ से दे दूँ, पहले 4 बैग हो गए हैं मेरे, और एक ट्रॉली बैग मैंने इनके डैडी के लिए रखा है, उन्होंने बाद में आना है, तो लहदा नहीं इसमें है जगह, तुम मुझे दो कपड़े। नहीं लहदा अंजल इसमें जगह है, इसमें सारे शादी वाले कपड़े हैं, इसमें जगह है। राफे अपना ये दे दो, एक तो ना राफे बार बार अपनी ये कर लेता है, पैंट्स निकाल लेता है, मैं इतनी बार मेरा ख्याल है 100 बार मैंने कोई ना तय लगाई है इसकी। अंजल मुझे जल्दी से अपने कपड़ों की तय लगा के दे दो, क्योंकि अंजल तो आज ही जाके लेके आया है कपड़े, टाइम नहीं मिला था, ये अपने एडमिशन में लगा हुआ था। लाओ अपनी वो भी शर्ट्स भी दो, जल्दी से दे दो। ये डैडी ने, डैडी के तो इधर ही रखो ना, डैडी के बीच में नहीं रखो। नहीं मैं कहाँ,
नहीं अभी इसकी ब्लू शर्ट थी यहाँ पे, ब्लू शर्ट मेरे वो मैं नहीं, मैंने दिखाई है ब्लू शर्ट मैंने अभी। हाँ हाँ देख मुझे ये कहता था मेरे कपड़े नहीं दिखा रहे हैं ना, वो मैंने कहा कोई बात नहीं फेयर है। और मैरून शर्ट कहाँ है? वो दराज में। और ये बेल्ट है? हाँ जी। जल्दी से लेके आओ जल्दी से, और मुझे तो अभी मेरा ख्याल है बहुत टाइम लगेगा। ये पट्टा में ये भी लेके जाऊंगी सुबह से ना, सामान जो है ना बेड पे ऐसे ही बिखरा हुआ है, दो दो चीज़ें आती हैं और मैं दो दो रखती जा रही हूँ। अभी जो है मेरा मेहंदी वाला जो सूट है ना वो तैयार होके कल आ गया था, लेकिन वो थोड़ा सा खुला था, अभी दिया है मैंने तो अभी वो मुझे देंगी, मैंने ओवरलॉक करवानी उसकी फिर बेड में वो जाएगा। ठीक है हाँ हाँ अच्छी है। और क्या कहते हैं कब से लगी हुई हूँ मैं ये तैयारियों में, और आखिरी दिन आ गया तैयारियाँ नहीं हुई, और सामान तो एक मेरा बस अभी मैं सारा ये करके तो रख दूँगी, और क्योंकि बीच में कुकिंग का काम शुरू हो गया था, कुकिंग ना करनी होती तो मैं शायद फ्री हो जाती, अभी मैंने अपना बहुत कुछ करना है। हाँ ये भी अंजल की है, ये दोनों अंजल की है, इस बार इसने डार्क कलर में ली है मैरून और ब्लू, खैर मुझे बहुत पसंद आई इसकी शर्ट्स, अच्छी लेके आया है। और क्या कहते हैं मैं जो अभी अपना ब्लॉग ख़त्म करूँगी, कौन सी ब्लैक पैंट? अच्छा याद नहीं रहा, मैंने दो रखी हैं, ये भी रख दो। तो घर में पहनने वाले बहुत बाद में कर ले। अच्छा नहीं ये डैडी की नहीं है, भाई की है। भाई हाँ हाँ भाई की है। तो मैं जो हूँ ना अभी आप लोगों से लूँगी इजाज़त, क्योंकि ये सारा जो है मुझे देखना है, अगर सारा आपको दिखाऊँगी तो ये तो मेरा ख्याल है डेढ़ दो घंटे की बन जाएगी वीडियो जो है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे क्या कहते हैं लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरी तैयारियाँ होती रहेंगी इंशाल्लाह, खैर ऑफिस से जाएंगे, खैर ऑफिस से घर वापस आ जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने एग्जाम में रखें, और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।